और मेरे साथ दो चमन लंडूरे हैं। पब्लिक प्लेस पे कचरा ना करें तो ही। आप सभी का एक बार और मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं और मेरे साथ दो चमन लंडूरे हैं, लेकिन मैं आज फिर से भैया था झंखा में आ चुका हूँ आपको झंखा का नज़ारा दिखाने के लिए, और आपका प्यारा एंड चहिता मयंक काशी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप कर देंगे तो माता रानी का कृपा होगा, और बाकी बात आगे करते हैं। इस बार हम लोग आए हैं तो अपने साथ स्प्राइट ला है। माँ कसम स्प्राइट है, इसके अंदर कुछ इधर उधर कुछ नहीं है, मम्मी कसम। और उसके बाद जो एक है मेरे साथ संदीप और पीके, अनिस इस बार नहीं है तो फिर हाँ जो संदीप है वो चिप्स वगैरह रखा है। तो अभी हम लोग को जाना है उस पार, और हम लोग अभी जा रहे हैं। स्पॉट पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो खाने पीने का सामान तो कैरी करते हैं, लेकिन जो उसके साथ उसका रैपर रहता है उसको कहीं भी फेंक के मत आया करिए। उसको आप अपने साथ रख लीजिए, अपने घर में ले जाइए और कूड़ेदान में उसको दान कर दीजिए। ये पूरा रैपर अपने साथ ले जाइए और कूड़ेदान में दान कर देंगे। ज्ञान ये है कि टूरिस्ट प्लेस पे, पिकनिक स्पॉट पे या पब्लिक प्लेस पे कचरा ना करें तो ही हमारे लिए और हमारे देश के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी सब तो बढ़िया है। अगर मेरे को देखते देखते आप यहाँ तक आ चुके हैं तो पूरा ब्लॉग देखने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, और जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, और अभी मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला है तो अब एग्ज़ाम के बाद ही ब्लॉग आएगा। उम्मीद करूँगा कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग बना पाऊँ, पढ़ाई के चलते मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ। और ठीक है, बाकी सब बढ़िया है, आप भी आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। चलिए फिर, बाय बाय, टाटा।